देखो सवाल नंबर दो 6.4 का एबीसीडी क्या है? एक समलंब है। एबीसीडी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है? ये क्या है? समलंब है। किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर, पैरेलल। दोनों जगह क्या है? समांतर, जो आपको कभी नहीं मिलने वाली। और दे रखा है ए बी जो साइड ये वाली भुजा है इसकी क्या है? डबल है। ये दे रखा है दो, टू सीडी हो गया, मतलब ऐसे दो भुजाएं यहाँ पर आएंगी, ये डबल है इसका, डबल है। तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ एओबी का अनुपात क्या है? सो ज्ञात करना अनुपात, एरिया ऑफ सीओडी, इन दोनों में इसमें और इसमें अनुपात क्या है, ये अनुपात क्या करना है हमें ज्ञात करना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ एओबी बटा एरिया ऑफ सीओडी, इसको ऐसे लिखो तो भी राइट है और ऐसे लिखो तो भी राइट है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों में यहाँ पर अनुपात क्या है, यहाँ पर क्या है, वही पर मैंने 6.6 लगाएंगे। क्या है 6.6? यदि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एओबी बटा सीओडी बराबर उनकी भुजाएं लिख सकते हैं। कब लिख सकेंगे? जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके? समरूप। तो कैसे होगा? तो समरूप देखो, उत्पत्ति दो त्रिभुज है आपके पास, एक तो है ये वाला और एक है आपके ये वाला एओबी और सीओडी। तो कहेंगे त्रिभुज एओबी व त्रिभुज हो गया है आपके सीओडी से, हमें दो चीज बराबर कर लो, कोण बराबर कर लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। जैसे कोण नंबर एक और ये कोण नंबर दो, क्या लिख सकते हो कि ओएबी बराबर है ओसीडी, ऐसा लिख सकते हो। और साथ में क्या लिखोगे? कोण एक और कोण दो क्या है आपके? बराबर। बोलो में से जो अच्छा लगे वो लिख लो, या तो पूरा नाम लिख लो ओएबी और ओसीडी, या लिख लो कोण एक और कोण दो बराबर, कारण बताओ एकांतर कोण। क्यों है एकांतर कोण? रेखा समांतर दे रखी है आपने, अल्टरनेट एंगल क्या है? ए ए बी सो अल्टरनेट एंगल, मतलब रेखा क्या है आपके? समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो एकांतर कोण क्या होंगे? ये बराबर, रेखा समांतर। इसी प्रकार देखो आपके ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा आपके? बराबर। जैसे नाम दे दिया हमने तीन नंबर और ये हो गया आपके चार नंबर, कोण तीन बराबर क्या है? कोण चार, यही कारण है एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। देखा है समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे आपके? बराबर। पर नियम कौन सा लगा? नियम आप चाहो ये भी लिख सकते हो, ये और ये भी बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखो ये और ये बराबर एकांतर कोण और ये बराबर एकांतर कोण, नियम कौन लगा? ए ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, समरूप है। तो नियम कौन सा लगेगा आपके? परमेय नंबर 6.6, क्योंकि यहाँ रेशो पूछा है, रेशो के लिए परमेय नंबर 6.6 नियम है। जो त्रिभुज ए ओ बी समरूप क्या है त्रिभुज सी ओ डी के, तो नियम क्या लगेगा? एरिया ऑफ ए ओ बी बटा एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर क्या होगा? कोई भी दो नाम, लेकिन हमें यही नाम लेने हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी दे रखा है। तो पहला और लास्ट अक्षर, यहाँ पहला और लास्ट अक्षर ए बी सी डी का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी का भी हेजेक्स रन दो, ए बी का मान दे रखा है आपके, ये क्यों गलत कारण लिखो, क्या हुआ ये? परमेय नंबर 6.6 वापस लिखो, एरिया ऑफ ए ओ बी बटा एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर होगा, ए बी का मान यहाँ पर दे रखा है, ए बी का मान क्या है? दो सी डी, या ए बी लिखा सकते हैं, लेकिन हम दो सी डी, सी डी को चेंज नहीं करना है आपको, ऐसे ही रहने दो, सी डी से सी डी कैंस, बाकी निभा गया एक बार, तो ये आया है आपके 2/1 का होल स्क्वायर, ये आया है आपके 4/1, मतलब क्या आया? 4:1, ऐसे लिखो तो राइट है और ऐसे लिखो तो राइट है, ये हो जाएगा 4:1। आगे सुनोगे?